नहीं मानी जाएगी। ये संविधान के 19A के तहत हम यहाँ पे बैठे हैं। गुलामी की जंजीरों से आज़ादी की शान ही अच्छी और चंद पैसों की नौकरी करने से चाय की दुकान ही अच्छी। आज मैं पहुँचा हूँ राजधानी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान की ओर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ के संविदा कर्मी हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रेणु मैडम के होश में आने की यहाँ पर नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। आपको बता दूं, इन संविदा कर्मियों को बजट ना होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। आइए जानता है इन्हीं से क्या कुछ कहना है इनका इस धरने प्रदर्शन को लेकर और इस वन अनुसंधान केंद्र को लेकर। देखिए, जितना बड़ा अन्याय एक महिला होकर और IAS है, इतना बड़ा अन्याय मैंने आज तक तो देखा नहीं अपने जीवन में। ये जो लोग बैठे हुए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, 5 दिन हो गए और 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर पुलिस हमें टेंट भी नहीं लगाने देती। 2 बार टेंट लगाने की कोशिश की, फाड़ के फेंक दिया गया। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कम से कम इनका संज्ञान लिया है 5वें दिन आज, नहीं तो आज तक तो कोई दिखा नहीं यहाँ पर। और हमने बहुत उम्मीद रखी है क्योंकि आप लोकतंत्र के 4th स्तंभ हैं। रेणु मैडम ने क्या काम करा इसमें, जो ये लोग हैं, कोई 20 साल से, कोई 18 साल से, कोई 15 साल से, 12 साल से कोई नीचे नहीं है जो काम कर रहे हैं। बकायदा इनके बच्चे किसी के अंदर पढ़ते हैं, इसी स्कूल, इन्हीं के स्कूल में कमरे मिले हुए हैं। उनकी एक उम्मीद थी कि हमारा जीवन अच्छा चलेगा, सब कुछ होगा। अचानक रेणु मैडम जैसे ही इस संस्थान की डायरेक्टर बनती है, उन्होंने एक एक करके कभी 20 निकाले, कभी 30 निकाले, 237 लोगों को घर बिठाने का काम किया। उसके बाद ये लोग हमारे मंच के पास आए कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, तो हम लोग 1.5 महीने पहले अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में और इन पीड़ितों के साथ में रेणु मैडम को एक ज्ञापन देने गए थे। ज्ञापन देते समय रेणु मैडम कहने लगी, जब मैंने कहा मनिका जी आपने इनको क्यों निकाला है, क्या कोई इन्होंने कोई गलती करी है, कि कोई गलती नहीं करी, तो मैंने कहा आपने इनको नौकरी से क्यों निकाला, कि इनको सिर्फ इसलिए निकाला बजट नहीं है। तो मैं हंसने लगा। मैंने आज तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को FRI के द्वारा यहाँ पर लोकसभा से 4-5 विपक्षी सांसद और कुछ अधिकारी आए थे, वो एक दिन या 1 घंटे के लगभग वो रुके थे यहाँ पर, दिखा रखा इन्होंने 2 दिन, उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर खाना खुना खाया। और खाना देखिए, 1750 रुपए की थाली खा रखी, 1750 की, आदमी आए थे केवल 15 और बिल बना रखा 60 आदमियों का। 60 आदमी आए लोकसभा से विजिट पर, चाय से लेकर 3.5 लाख रुपए के लिए तो इनके पास पैसा है और इनके लिए पैसा नहीं है। तो इतना बड़ा अन्याय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैडम रेणु जी, आप इनके घर बसा दीजिए। देखिए, जो ये वन अनुसंधान संस्थान है, ये आपको पता है एक ऐतिहासिक धरोहर है और फॉरेस्ट रिसर्च में अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो इसको देखते हुए कि यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी हैं, ये लगभग 15 से 20 साल के लगभग सभी ने यहाँ पे अपना कार्यरत जो है पहले से हैं, और बीच में इनको एक बजट का इशू बता के जो निकाला जा रहा है डायरेक्टर महोदय द्वारा, डॉक्टर रेणु सिंह के द्वारा, तो ये बोला जा रहा है कि बजट नहीं है। और एक्चुअली में इतने सारे पहले भी डायरेक्टर आ चुके हैं, सबके कंटिन्यू जो है साल का सबके लिए बजट आता था, बट जब से ये मैडम आई है तब से बजट का इतना रोना हो गया। किसने कहा कि संस्थान के पास में बजट नहीं है आप लोगों के लिए? जो इनको नोटिस जारी हो रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि FRI अनुबंध के अनुसार, नोटिस की कॉपी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी PDF कॉपी हम आपको देंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि FRI वन अनुसंधान संस्थान के पास मिनिस्ट्री से बजट नहीं आ पा रहा है, उसके कारण आपको आपकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जिसके लिए अभी आपकी ये कुंवर सर के से जो बात हुई है, कुंवर सर ने बताया कि एक दिन के सिर्फ 16 सांसदों के लिए 3.5 लाख रुपये का बिल FRI वन अनुदान संस्थान ने पे करा है कुमार केटरिंग के द्वारा, 23,500 रुपये इतना टोटल बिल है, उसमें और भी टेंट का भी है, सब मिला के 3.5 लाख रुपए करीब ऐसा कुछ है। तो आप ये देख आप जैसे देख रहे हैं कि इन सब में बजट का इशू बता रहे हैं, तो बजट का ऐसा कुछ है नहीं। फॉरेस्ट रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर IGNFI भी और भी ICFRI हेडक्वार्टर भी है, इन सब के अलावा सिर्फ FRI पे बजट का इशू, ICFRI भी है, वहाँ से एम्प्लॉय क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं, सिर्फ FRI से क्यों एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं? तो ये कुछ नहीं है, इनकी मिली भगत है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उनके थ्रू दूसरे कर्मचारी रखकर उनके थ्रू जो उनसे जो पैसे लिए जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जाएंगे,
और उनके उनसे जो अनुबंध किया जाएगा उस पर ये पैसे इनके खाने की सारी साजिश है और कुछ नहीं। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग जो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और जो ये FRI निदेशक पुलिस वालों को भेज के जो हमको डरा धमका रही, हमारा बैनर फाड़ रही है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब तक हमारी जेन्युइन मांगे जो संविधान के अंदर हैं, जो संविदा कर्मियों को मिलनी चाहिए 144 राइट्स के अंतर्गत, जब तक हमारी वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। पे बैठे हुए हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप को जला रहे हैं यहाँ पे और उनको दिखा रहे हैं कि जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम ऐसे ही जलते रहेंगे। और अगर हमारे साथ किसी के साथ भी एक के साथ भी अनहोनी होती है तो उसका जो सारा दामोदार है वो इनके ऊपर जाएगा, डॉक्टर रेणु मैडम के ऊपर। आपने सुना किस प्रकार से पीड़ित हैं संविदा कर्मी, का साफ तौर पर कहना है अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो धरना प्रदर्शन कभी स्थगित नहीं करेंगे और इसी प्रकार 43 डिग्री धूप में यहाँ पर ये लोग जलते रहेंगे। जानने वाली और सोचने वाली बात है कि 15 विधायक दिल्ली से यहाँ आते हैं तो उनके खाने पर, एक दिन के खाने पर महज 223,500 रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन लोगों की तनख्वाह देने के लिए विभाग के पास बजट नहीं है। अगर बात करें टेंट की तो एक दिन के टेंट के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का खर्चा यहाँ पर किया गया है, लेकिन इन संविदा कर्मियों के लिए तनख्वाह देने के लिए विभाग के पास बजट नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो VIP कल्चर है नौकरशाही है यहाँ पर उत्तराखंड में हावी हो चुकी है। बहरहाल के लिए इतना ही, अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में देहरादून से वह पटवाल की रिपोर्ट।